इलेक्ट्रॉन्स रहे उसका हम लोग एनर्जी वेलोसिटी एंड रेडियस तीनों का फॉर्मूला हमने निकालना निकाल दिए थे है ना तो तीनों का फॉर्मूला रेडी है हमारे पास हम लोग खाली अप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में तो सबसे पहला न्यूमेरिकल था हमारा कैलकुलेटेडलेट द कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस एच ई प्लस मतलब हेचई -E मतलब आपको पहचानते हीलियम -E जिसका एटम नंबर कितना है टू है हीलियम का नंबर कितना है टू है यहाँ पे आप देख सकते हैं हीलियम का जेड इज इक्वल टू टू आपको पता है रेडियस का बिकॉज़ आपको रेडियस रेशियो पूछा है क्वेश्चन पे तो हम क्या करेंगे रेडियस का फॉर्मूला डाल देंगे ठीक है सो so यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है ऑर्बिट नंबर जेड क्या है आपका एटमिक नंबर तो आपको क्वेश्चन में पूछा है थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट तो हम क्या करेंगे

numericals okay let us go for the second question okay question number 2 question number 2 in this question we are asked calculate the radius ratio of Calculate the radius ratio of second orbit of hydrogen, second orbit of hydrogen and third orbit of Li two plus And third orbit of Li plus. This is a question. Calculate the radius ratio of second orbit of hydrogen and third orbit of Li 2+. ये हमारा question है. तो हमें क्या करेंगे? फिर एक बार हमें क्या चाहिए? Radius ratio चाहिए. किस-किस का चाहिए? Second orbit of hydrogen and third orbit of Li. तो हम क्या करेंगे? निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? हमें answer चाहिए. So what we are going to do? Answer. रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बाय रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ एल आई टू प्लस तो यहाँ पे एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं देखिए आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना यहाँ पे बोर्स रिलेटेड आपका क्या होता है ना दे आर ऑल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस सबके सब क्या है हाइड्रोजन होंगे या तो हाइड्रोजन जैसे स्पेसिस होंगे हाइड्रोजन जैसे स्पेसिज मतलब क्या होता है वेरी सिंपल जैसे हाइड्रोजन का बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है वैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस में भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन ही होगा जैसे हाइड्रोजन कंटेन्स कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन वैसे हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस में भी क्या होगा इट ऑल्सो कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए आई एम हैविंग हेचई प्लस हेचई का नंबर कितना है टू मतलब इसके अंदर क्या है टू इलेक्ट्रॉन्स हैं आप इसको आप अगर हेचई प्लस कर देंगे प्लस मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है सो टू इलेक्ट्रॉन्स में से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बचेगा कितना एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो हीलियम के अंदर कितना है एक इलेक्ट्रॉन है वैसे एल आई टू प्लस है ना एल आई टू प्लस भी आपका लिथियम लिथियम का नंबर कितना है गाइस

बोर्स के ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के ऊपर ही वो अप्लीकेबल है कैसे हुआ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा ड्रॉबैक के ऊपर वीडियो बनेगा है ना इतना याद रखिए कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के ऊपर ही बोर्स मॉडल अप्लीकेबल है बाकी सारे एलिमेंट्स के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं ठीक है चलो हमारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं सो कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ एलआई टू प्लस तो इस केस में हम क्या करेंगे गाइस सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मतलब फॉर्मूला पुट कर देंगे पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू एन स्क्वायर बाय जेड यहाँ पे सेकंड रेडियस का चाहिए ना सेकंड ऑर्बिट का चाहिए ना तो टू स्क्वायर कितना है वन डिवाइडेड बाय जेड मतलब क्या है एड नंबर जेड फॉर हाइड्रोजन कितना है वन है एड नंबर इज वन फॉर हाइड्रोजन वैसे नीचे वाला

क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहे हैं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ

कि यहां पर हम क्या सोच रहे हैं कि बोर्ड्स मॉडल अप्लाई कर रहे हैं मीन्स हम लोग सोच रहे हैं कि बोर्ड्स मॉडल इज अपलिकेबल ओनली फॉर यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसिस कौन सा स्पेसिस यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसिस इसका मतलब क्या है इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब ऑब्वियसली पहला ऑर्बिट में रहेगा ना तो पहला ऑर्बिट जो होता है हमेशा उसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस ग्राउंड स्टेट बोलते हैं क्या बोलते हैं टेक्निकली इट इज रिफर्ड एज ग्राउंड स्टेट वैसे वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का आप जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा अकॉर्डिंग टू बोर वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा दैट विल गेट ट्रांसफर टू फर्दर ऑर्बिट्स है ना आगे ऊपर के ऑर्बिट्स के ऊपर चले जाएगा जब ऊपर के ऑर्बिट्स के ऊपर चले जाएगा तब क्या होगा मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट में चला गया तो आपका सेकेंड ऑर्बिट कैसे बिहेव करेगा सेकंड ऑर्बिट विल बिहेव एज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऐसे क्यों बोल रहे हैं क्योंकि देखिए आपने क्या किया एनर्जी देखे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया एनर्जी देखे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया सपोज मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के चारों तरफ पहला जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जा सकते हैं आप जितना एनर्जी दोगे उसके हिसाब से हो जाएगा दूसरा ऑर्बिट है है ना वैसे तीसरा भी रहेगा ऐसे बहुत सारे रहेंगे ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल्स कितने वह बना सकते हैं बट है ना सेकेंड थर्ड तो ये आपका पहला जो है फर्स्ट वाला वो आपका क्या होगा ग्राउंड स्टेट होगा सेकेंड वाला क्या होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थर्ड वाला क्या होगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड ऑपरेट क्या होगा स्टेट होगा समझ रहे हैं ना तो ऐसे

एन इज इक्वल टू वन फर्स्ट एक्साइटेड मतलब पे पूरा का indirectly आपको बोल रहा है, ठीक है सो लेट्स गेट रेडियस तो थर्ड ऑर्बिट का चाहिए मतलब आर थ्री किसका है लिथियम टू प्लस फॉर्मूला का जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इन एन स्क्वायर बाय जेड एंक्ट्रोम ठीक है तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एन के जगह में कितना डालू थर्ड ऑर्बिट है ना थ्री स्क्वायर। जेड के जगह में नंबर ऑफ लिथियम कितना है? थ्री एंस्ट्रोम ठीक है तो आपका अराउंड आ जाएगा वन पॉइंट फाइव एट सेवन एंक्ट्रोम ठीक है सो दिस इज योअर आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना सारे के सारे फॉर्मुला बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन का आपको देखते ही आपको मन में आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होगा है ना फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फॉर्मुलास बहुत ईजी है फॉर्मूला से ठीक है जस्ट आपको ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ एच प्लस फॉर फर्स्ट

फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट ईएस, एस जहाँ पर आपका एन इज टू होगा सेकेंड ऑर्बिट है ना सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इन दोनों के बीच में एनर्जी निकालना है आपको एन इज टू थ्री होगा तो इन दोनों के बीच में आपको क्या चाहिए इन दोनों के बीच में आपको चाहिए एनर्जी uh, का रेशियो सो कम ऑन गाइस लेट्स गेट एनर्जी ऑफ विच ऑर्बिट सेकेंड फर्स्ट एक्सेस रेड बाई एनर्जी ऑफ थर्ड का रेशियो दोनों किसके लिए चल रहा है निकाल रहे हैं एच ई प्लस के लिए निकाल रहे तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है गाईस? एनर्जी का फॉर्मूला है आप किसी में भी ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ले सकते हैं जूल्स में ले सकते हैं जूल्स में लेंगे तो कितना होगा माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन माइनस एटीन इंटू क्या लिखा है यहां पे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल्स है ना ये फॉर्मूला है ऐसे लिखा जाता है है ना फॉर्मूला है तो यहाँ पे दोनों के वैल्यूज पुट कर देंगे है ना सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूला में इफ यू पुट द वैल्यूज यहाँ पे कितना हो जाएगा जेड जेड मीन्स एडिंग नंबर एडिंग नंबर ऑफ हीलियम कितना है टू है जेड फॉर हिलियम इज हाउ मच तो यहाँ पे क्या होगा टू स्क्वायर बाई थ्री स्क्वायर सॉरी टू स्क्ट है टू पॉइंट ये सब कैंसिल हो जाएगा है ना ये आपका जेड जो कॉमन था वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा एन स्क्वायर का रेशियो बचेगा एन स्क्वायर का रेशियो बचेगा खाली ठीक है सो क्या होगा सो so, आपने क्या किया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो क्या हो जाएगा आंसर नाइन इज टू फोर सोल्व कीजिए आंसर निकल जाएगा ठीक so, है सो जस्ट पुटिंग द दर गेटिंग द आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है वॉट इज द क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन इज लाइक दिस क्वेश्चन में पूछा है इफ द पी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज माइनस सिक्स पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है पीई वॉट इज द मीनिंग ऑफ पीई क्वेश्चन नंबर फाइव इफ दीई मीन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है शॉर्टकट में दिया है इफ द पीई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज माइनस सिक्स पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम किसमें हाइड्रोजन एटम में ठीक है देन फाइंड आउट के ई देन फाइंड आउट के ई एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट एंड क्या पूछा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट पूछा है देखिए सब पूछ लिया इसमें दिस इज अवेश्चन ओके तो थोड़ा सोचिए क्या क्या पूछा है पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिए तो आपको आइडिया आएगा है ना Yes. पढ़े क्या पूछा है इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ ऑर्बिट वेर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट ठीक है दिस इज अ क्वेश्चन आस्ट सो चलो हम लोग करते हैं सो so, सबसे पहले हमें क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी निकालना है पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है दिया है माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ठीक है आपको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए सो so, आपको तीनों के बीच में रेशियो पता रहना चाहिए लास्ट लास्ट में लास्ट वीडियो में हमने जब डिस्कस किया था तो मैं आपको फाइनली होमवर्क दिया था कि रेशियो पता कीजिए है ना सो so, रेशियो क्या है गाईस? रेशियो है। आप अगर निकाले होंगे तो अच्छा है नहीं तो हो जाएगा पीई एस टू के ई एस टू टोटल एनर्जी का रेशियो है माइनस टू एस टू वन एस टू माइनस वन ठीक है ये हमेशा याद रखिए Solve भी कर सकते हो डिराइव भी कर सकते हो जैसे हमने लास्ट में सकते हैं सारे क्वेश्चन बट द पॉइंट इज कौन जल्दी कर सकते हैं है ना? तो जल्दी करना है सो पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दिया है माइनस सिक्स पॉइंट एट इलेक्ट्रोन आपको क्या चाहिए सो वट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल इनडिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जीटिक एनर्जी So, कुछ लोग बोलते हैं सर इसको याद कैसे रखेंगे याद नहीं होता है ठीक है क्या है आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को दोनों को जोड़ने पर क्या होता है टोटल एनर्जी आता है पता है आपको है ना पता है एंड आपको यह भी पता है कि टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है तो ऑब्बियसली आप क्या करेंगे आ, टोटल एनर्जी को पहले से फिक्स कर देंगे है ना टोटल एनर्जी को फिक्स कर दें कितना माइनस वन नेगेटिव है सबसे छोटा वैल्यू माइनस वन तो माइनस वन को पाने के लिए टोटल एनर्जी को पाने के लिए आपको क्या करना है दोनों को ऐड करना है ना टोटल एनर्जी को पाने के लिए आपको क्या करना है ये दोनों वैल्यूज को ऐड करना है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना है तो माइनस वन को पाने के लिए एंड आपको इतना पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी का आधा है टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी का आधा है इतना अगर याद रख लीजिए तो माइनस वन अगर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका डबल जो कि कितना है माइनस टू एंड माइनस टू में ऑब्वियसली वन ऐड करोगे तब माइनस वन आएगा ना सिंपल है गाइस तो माइनस टू आपका पोटेंशियल एनर्जी है वन आपका काइनेटिक एनर्जी है दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा टोटल एनर्जी है ना तो आपको इतना याद रखना है कि टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है एंड सबसे छोटा वैल्यू माइनस वन अगर रखा जाएगा तो इससे मतलब क्या है सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू निकाल रहे हो ना आप है ना तो माइनस वन अगर ये माइनस वन है तो आपको ये भी पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी डबल है तो वो भी माइनस में रहेगा माइनस टू

वैल्यूज माइनस सिक्स एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय जो कि काइनेटिक एनर्जी है कितना so, कितना जाएगा minus minus cancel, ये कितना हो जाएगा so, X is equal to आ जाएगा ये हो आ है ना रेशियो लेके सॉल्व कर दिए और क्या चाहिए हमें देन फाइंड आउट के एनर्जी ऑफ भी पूछा है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट आपको पूछा है मतलब कौन सा एनर्जी है कुछ मेंशन नहीं किया मतलब वो क्या है टोटल एनर्जी है सो टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कितना होगा टेक द रेशियो टेक द रेशियो कौन सा रेशियो दूसरा पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी का रेशियो सो पोटेंशियल एनर्जी का क्या रेशियो है माइनस टू एस टू माइनस वन यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी मतलब माइनस टू इज टू माइनस वन है ना आपको क्या चाहिए टोटल एनर्जी चाहिए इसको एक्स ले लीजिए पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है जो दिया है माइनस सिक्स एट इलेक्ट्रॉन वोल्टवल टू माइनस टू बाई माइनस वन माइनस माइनस के माइनस एक्स फाइनल बज रहा है ठीक है ये कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट फोर सो एक्स इज इक्वल टू कितना है माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्टे आपका क्या है फाइनल एनर्जी और टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी रेफर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में पूछा है और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट जिसके बारे में पूछ रहा था ठीक है चलो कार एनर्जी आ गया एनर्जी भी आ गया और क्या चाहिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट चाहिए क्या चाहिए आपको रेडियस ऑफ ऑर्बिट चाहिए तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट पाने के लिए फॉर्मुला क्या है आर एन इज इक्वल टू Into N square by Z angstroms. ये है ना। आपको जेड पता है जेड तो का वैल्यू कितना है जेड का वैल्यू वन एन का वैल्यू पता है नहीं पता है तो एन का वैल्यू पता नहीं तो रेडियस नहीं निकाल पाएंगे तो उसके लिए आप क्या करोगे आपके पास एनर्जी है ना तो एनर्जी का फॉर्मुला पुट करेंगे पहले

ठीक है एन वैल्यू कितना आएगा देखिए माइनस माइनस के एन से इलेक्ट्रॉन वर्ड गया ये जेड uh, का वैल्यू तो कितना है वन है तो ये भी जाएगा तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स बाय थ्री पॉइंट फोर जो कि आपका फोर है तो एन के जगह में कितना है आएगा टू आएगा है ना आएगा ना एन स्क्वायर इज टू फोर होगा तो एन का वैल्यू कितना आएगा टू आएगा ठीक है सो ये जो सेकेंड है इसको लाके आप यहाँ पुट करेंगे तो रेडिस मिल जाएगा ना तो रेडिस में निकाल दीजिए कितना आ जाएगा रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू एन स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर बाय जेड वन एंगस्ट्रॉम्स जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू है ना जो कि आपका अराउंड आ जाएगा टू पॉइंट ना, तो सबके सब हैं आपको दिया गया है आपको खाली यूटिलाइज करना है प्रॉपरली ठीक है मैनिपुलेट करके एक दूसरे को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन आइटम इज देखिए नया आइटम दिख रहा है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन आइटम इज हम जब क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको मन में आइडिया चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है ठीक है सोचना चाहिए ठीक है इज थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स Then calculate the required energy, then calculate the required energy in electron volts to excite it to excite it from the ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लंबा क्वेश्चन है ना कुछ नहीं है लंबा टेंशन मत लीजिए बहुत आसान है ठीक है खाली क्वेश्चन को समझना है दैट्स ऑल ठीक है डोंट वरी अबाउट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन ठीक है यस नाउ कमिंग टू द आंसर देखिए ही आस्किंग गिवन सिक्स इलेक्ट्रॉन बोल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अंडरस्टैंड व्हाट इज आयोनाइज इन एनर्जी आपको बताया था किसी भी एटम को आयनाइज बन आयन बनाने के लिए हाइड्रोजन है मान लीजिए आपको इसको आयनाइज आयनाइज करना है मतलब क्या इसको आयन आयन बनाना है तो बनाने कैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर रहे तब जाके क्या बन गया आयन बन गया पॉजिटिव बन गया ना पॉजिटिव हम लोग क्या बन रहे जनरली कैटायंस बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं एटम को क्या बना दिए आयन बना दिए एटम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आयन ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन है ना यस नाउ द पॉइंट इज एक इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करना एक इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करना मतलब क्या है कहाँ का बाहर जनरली हम जब एटम का देखते हैं ना हम बोलते हैं कि का का साइज़ साइज़ इतना है। है। मान लीजिए मैं मैं एक डायग्राम बना रहा ऐसे क्यों? कैसे क्यों फिक्स नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हुए होंगे एंड मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि न्यूक्लियस का पावर इलेक्ट्रॉन का कहां तक है खींचने खींच के रखने के लिए मतलब कहाँ तक कौन सा एरिया तक न्यूक्लियस का पावर स्प्रेड हुआ है जैसे कि वो अपने इलेक्ट्रॉन so तो इसका बाउंड्री से बाहर रिमूव कर देना है जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो ये सारे के सारे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नलिफाई हो जाएगा बाहर आ गया ना एंड इसका एनर्जी हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कितना होता है जीरो होता है बिकॉज वो पूरा फ्री हो गया है किसी भी फोर्स से लेना देना नहीं है उसको ठीक है एंड मैं आपको ये भी रीजन बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर है तो उसका एनर्जी जीरो होता है एंड जब इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है तो उसका एनर्जी कम हो जाता है बिकॉज इट इज बिंग अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियस जब एनर्जी कम हो जाता है उसका एनर्जी इसलिए हम लोग क्या मानते हैं नेगेटिव में मानते हैं ये भी एक रीजन आपको बताया था है ना तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ आइनस एनर्जी मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो वो आप उसको उठा के बाहर फेंक देंगे कहां फेंक देंगे बाहर फेंक देंगे ऐसे बाहर फेंक देंगे कि उसका एनर्जी क्या हो जाए जीरो हो जाए ठीक है तो अभी मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है लेटस एज्यूम अस एज्यूम द इलेक्ट्रॉन वाज इन फर्स्ट ऑर्बिट ठीक है तभी उसको निकाल के बाहर फेंक दिया मुझे पता नहीं एक तो फॉर्म एक तो ऑर्बिट में था लेकिन उसको निकाल के मैं बाहर फेंक दिया तो अभी क्या होगा इनिशियल ई एनर्जी इनिशियल जो कि मुझे पता नहीं मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में ले लिया तो एनर्जी इज इक्वल टू टू क्या होगा अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में क्यों ले रहा क्योंकि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है देखिए ठीक है इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लेना ही पड़ेगा ई वन इज इकोल्ड माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिकोल्ड वन है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा जेड इजी गोल्ड वन है ये भी पुट कर दूंगा तो आपको कितना आ जाएगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मैं मान रहा हूं वो कुछ भी हो सकता था है ना सो ई वन एज्यूम करने पर ऐसा है एंड जब बाहर निकाल के फेंक दिए फेंक दिए मतलब कहाँ चले जाएगा इन्फिनिटी दूर में चले जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा ई इन्फिनिटी ई इन्फिनिटी इक्वल टू क्या लिखूंगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या लिख देते ना इनफिनिटी गोल्ट बहुत दूर चला गया ना तो ये क्या हो जाएगा इन इज ऑलमोस्ट टू तो क्या हो जाएगा जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा इस यहाँ पे हम लोग डेल्टा ई लिखेंगे ये जो डेल्टा ई लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा ई का वैल्यू कितना है ई e फाइनल डेल्टा मतलब चेंज है ना माइनस ई इनिशियल e फाइनल का वैल्यू कितना है जीरो माइनस अंदर का वैल्यू कितना था फर्स्ट का तो माइनस माइनस क्या जाएगा हो जाएगा पॉजिटिव हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से निकाल के बाहर फेंक दिया बाहर मतलब पूरा दूर में फेंक दिया तो मुझे कितनी एनर्जी जरूरत पड़ रहा है थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी जरूरत पड़ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं है ना ये कितना एनर्जी में था इसका माइनस थर्टीन पॉइंट में था मैं क्या क्या है ना ये कितना में था माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स में था मैं जब इसको प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स एड किया तो मैं कहां पहुंच गया जीरो में पहुंच गया मतलब बाहर चला <passierenle Caroline> गया पूरा तो इसका मतलब क्या है मैंने यहाँ पे 13.6 पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन एनर्जी को खर्चा किया हूँ है ना तो हम जब यहाँ पे थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रोन वोल्ट को इतना एनर्जी को खर्चा कर रहे हैं यही एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते कि नहीं क्योंकि आयोन एनर्जी का डेफिनेशन वही था ना द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम तो इन्फिट तक पहुंचा रहे हो मतलब अब क्या कर रहे हो रिमूव कर रहे हो ना तो ये आयोन एनर्जी का कितना वैल्यू हो गया थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि हमारा क्वेश्चन से मैच कर रहा है ना देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन तो हमारा मैच कर लिया ना कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पर था फर्स्ट ऑर्बिट में था, हमें एज्यूम क्या था गाइस एज्यूम करने पर मेरा आ गया तो बोलेंगे सर आप एज्यूम कैसे किए आप टू को भी ले सकते थे थ्री को भी ले सकते थे कैसे किसी को भी ले सकते थे लेकिन आपका थर्टीन पॉइंट सिक्स नहीं आएगा आने के लिए आपको आपको इतना तो पता है कि आपका फॉर्मूला में ज्ञुर ज्ञुर होता है, तो आपका इसका ये भी दियाटीन तो पॉइंट मैच कर रहे हैं मतलब जेड का वैल्यू एंड एन, एन का वैल्यू वन वन होगा है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है और हो जाएगा क्या इसमें ये भी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स आपको उसमें भी तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं जेड इज एंड एन इज इक्वल समझ रहे हैं

एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट वाला क्या आएगा इसवल टू टू तो कितना एनर्जी खर्चा होगा तो so, आप क्या करेंगे कितना एनर्जी खर्चा होगा कैसे पता चलेगा आपको ई वन पता है तो so, आप क्या करेंगे ई टू निकाल देंगे ई टू ई टू इज विकल्ड क्या होगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर वन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर टू स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना जेड बाई एन जेड एन जगह में डाल दिया है ना ई टू तो कितना आ जाएगा माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा सो so, आपको कितना एनर्जी देना है डिफरेंस एनर्जी निकाल दीजिए आपको पता चल जाएगा कितना एनर्जी देना है डिफरेंस एनर्जी करेंगे ना फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस ई इनिशियल जो कि माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ऑफ माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि आपका आ जाएगा सॉरी उल्टा हो गया है ना इ टू माइनस ई वन था ना इ टू माइनस ई वन था तो हम क्या करेंगे थ्री पॉइंट फोर माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स करेंगे है ना सो so, सोट कर दीजिए थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस और माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कितना जाएगा अराउंड टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव में आएगा तो आपको इतना एनर्जी खर्चा करके कहां से कहां तक पहुंचाएंगे फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएंगे सेकेंड ऑर्बिट तक या तो आप बोलेंगे ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट से लेके आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचेंगे ठीक है ग्राउंड स्टेट से लेके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो आपको समझ में आया आई एनर्जी का डेफिनेशन आई एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर फेंक देते हैं जो फेंक देते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए दैट्स ऑल ठीक है यस ओके ऐसे करते हैं तो आईनएस एनर्जी को कभी कभी क्या बोलते हैं ना इट इज ऑल्सो रेफर्ड एस सेपरेशन एनर्जी आईनएस एनर्जी इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड एस सेपरेशन एनर्जी ऐसे क्यों बोलते हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दे रहे हो कहां से का सेपरेट कर रहे हो न्यूक्लियस से दोनों के बीच में झगड़ा करवा के बाहर निकाल के फेंक दे रहे हो घर से है ना सो so, सेपरेट कर रहे हो देर फॉर इट ऑल्सो रिफर्ड एज सेपरेशन एनर्जी तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में ना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछता है है ना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब क्या है गाइस कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है है ना आप सॉल्व कर सकते हैं आ, आपको तो इतना पता है कि आ, आपको इतना पता है कि रिवोल्यूशन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब आपका फ्रीक्वेंसी जैसा है है ना सो so, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वॉट इज आर द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ नंबर है पर सेकेंड ऐसे पूछा जाता है मतलब पर सेकेंड आगे मतलब भी आप समझ आए कि आपका क्या है फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है गाइस वन बाय वन बाय क्या होता है टाइम पीरियड वन बाय क्या होता है टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड आपको पता है टाइम बहुत सिंपल है हमने डिस्कस किया था वेब थियोरी में टाइम इज इक्वल टू क्या है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड तो हम किसके बारे में निकाल रहे हैं नंबर ऑफ रेवल किसका है इलेक्ट्रॉन का सो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन कैन बी रिफर्ड एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना डिस्टेंस ट्रावल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कितना करता है इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में कितना होता है उसको सर्कल ऑफ द ऑर्बिट कितना होता है टू पाई ऑफ एंथ ऑर्बिट है ना बाय स्पीड स्पीड मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंथ ऑर्बिट तो आपको जब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है तो आप क्या करोगे उसको उल्टा कर देंगे सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस या फ्रीकुन्स जब पूछे हैं तो आप क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट ऑर्बिट नंबर तो दिया होगा ना बाय टू पाई आर पर सेकेंड बाय इलेक्ट्रॉन इन एंथ तो कभी कभी आपको टाइम पीरियड पूछेगा या कभी कभी आपको रिवोल्यूशन पूछेगा

Amount of knowledge in this chapter. Okay, thank you very much for attending. Bye.